उत्तर प्रदेश सरकार के निजी स्कूलों को राहत और अभिभावकों को झटका दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार वे इस आदेश के बाद अभिभावक परेशान हैं। अभिभावक प्रदेश सरकार से निजी स्कूलों की फीस 25% कम करने की मांग कर रहे हैं। ये है आदेश। उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूल की फीस जल्दी ही भारी इजाफा होने वाला है। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के कारण प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर लगाई गई वह भी अठा दी गई है। इसके साथ ही निजी स्कूलों को 15% तक फीस बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों को शैक्षिक सत्र 2022-23 में फीस बढ़ाने की अनुमति दी है। फीस वृद्धि की गणना वर्ष 2019-20 की फीसदी को आधार मानकर होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने इस बाबत शासन आदेश जारी किया है कि इसमें प्राइवेट स्कूल को निर्देशित दिए गए हैं कि वे शैक्षिक सत्र 2022-23 में फीस बढ़ोतरी के लिए नवन्यूनतम उपभोक्ता मूल्य संचालकों को आधार माने और अपने वर्ष 2019-2020 की फीस में अधिकतम 5% की वृद्धि से इसे जोड़ लें। DIOS करेंगे फीस बढ़ोतरी की निगरानी। इस समय उपभोक्ता मूल्य संचालक 5.6% है और इसमें 5% जोड़ने पर कुल बढ़ोतरी 10.6% हो जाएगी। सरकार का ये आदेश राज्य में चल रही सभी शिक्षक बोर्ड के वित्तविहीन विद्यालय पर लागू होगा। वहीं सभी DIOS को फीस बढ़ोतरी की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। ACS माध्यमिक आराधना शुक्ला ने अपने आदेश पर कहा कि यह फीस सुनिश्चित किया गया है कि विद्यालय अधिक फीस ना बढ़ाए। फीस बढ़ाने लेने पर अभिभावक अधिनियम की धारा 8 के तहत जिला शुल्क नियामक समिति के समक्ष शिकायत करेंगे। बताएं, सरकार द्वारा जो 10% फीस बढ़ाने का निर्णय लिया गया है उसको किस प्रकार से देखते हैं? फीस बढ़ाने का निर्णय सरकार द्वारा और ले लिया गया है। पहले से ही इतने अभिभावकों पर वजन पड़ा हुआ है कि लॉकडाउन में फीस जमा हो नहीं पाई है, बिजनेस चल नहीं रहे, अब फीस और बढ़ा दी, इससे तो बहुत बेरोजगारियां फैलेंगी। क्या करना चाहिए सरकार को? फीस और बच्चों की घटानी चाहिए बढ़ाने की बजाय। 10% बढ़ा दिया फीस सरकार ने? 10% नहीं, कम से कम 25% इनको डिस्काउंट और फीस में देना चाहिए था। कोरोना के चलते वैसे ही कोरोना की परेशानियां अभी तक पब्लिक झेल नहीं पा रही है। कितनी परेशानियां हैं, 2 साल से बिजनेस ठप पड़े हुए हैं बिल्कुल। और ऐसे में जो बच्चों को ऑनलाइन इन्होंने जो क्लासें दी हुई थी उसमें बच्चों की पढ़ाई तो बिल्कुल हो ही नहीं पाई है, क्योंकि मोबाइल में गेम खेलते हैं बच्चे। मोबाइल इधर से तो मोबाइल 15,000 का खरीद के दीजिए, उधर से फीस जमा कीजिए, स्कूल वाले एक दिन की फीस के लिए माफ़ नहीं करते हैं, जबकि कम से कम 25% डिस्काउंट फीस में सरकार को देना चाहिए 10% बढ़ाने की बजाय। प्राइवेट स्कूल द्वारा फीस बढ़ाई जा रही है उसको किस प्रकार से देखते हैं आप? बहुत अनीति है एक तरह से, क्योंकि पब्लिक पे वैसे ही कमाई नहीं है। कोरोना की वजह से 2 साल से तो बेरोजगार घूम रही है पब्लिक, कमाई है नहीं, बिजनेस चल नहीं रहे। अब इसमें जो है स्कूल को, सरकार को सभी तरह से इस पर कंट्रोल करना चाहिए कि इतनी फीस ना बढ़ाएं। अभी दो एक साल तीन साल कम से कम फीस को नॉर्मल रेंज में ही रखें। सरकार ने कहा कि 10% तक बढ़ा सकते हैं सरकार है क्या है? सरकार तो किसी को रोजगार नहीं दे रही है, किसी को जॉब नहीं दे रही है, तो कहाँ से पैसे लाएगा सरकार? तो वहाँ बैठे बैठे सब एसी में बैठे हैं ना, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो 10% की या 20% ही बढ़वा देंगे। सरकार